सकारक कार्यक्रम तृतीय दिवस का कार्यक्रम गांव हेबतिया का नगला जिसका सीधा प्रसारण आप सभी के सामने किया जा रहा है पंडित रोहतास जी जय साउंड सर्विस जनुथर के द्वारा जिसकी गायिका आपकी जानी पहचानी आपकी बच्ची कुमारी लक्ष्मी सिनसिनबार बेड़ा चोली नदवे भरतपुर राजस्थान से ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे बड़े भाई मोनू कुमार जी उजरई भाई खंडाली आगरा उत्तर प्रदेश से लीजिए जिकड़ी भजन का एक और धमाका सर्वप्रथम जितने भी बुजुर्गण यहाँ पर बैठे हुए भजन जिकड़ी प्रांगण में पधारे हुए मेरे पिता के स्वरूप मेरे पिता के तुल्य मेरे पिता के समान मेरे जितने भी अतिथिगण महोदय भजन जिकड़ी के श्रोतागण यहाँ पधारे मेरी मातृ शक्ति यहाँ बैठी हुई है सभी के श्री चरणों में सबसे पहले कुमारी लक्ष्मी सिनसिनबार की तरफ से हाथ जोड़ करके सत सत कोट नमामि नमस्कार राम 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 सजनों आप सभी के सामने ये जिकड़ी भजनों का तृतीय दिवस तृतीय दौर और प्रथम कलाकार आपके सामने है भैया जी लेकिन कहते हैं हर कार्य को करने से पहले उस परमपिता परमात्मा को याद किया जाता है उसका स्मरण किया जाता है उसका गुणानुवाद किया जाता है भैया जी कभी ने कलम उठाई उस ईश्वर को याद किया सुनिएगा कैसे और बाजे
बांध हथियार अरे हो अरे अला बांध हथियार हो और बांध हथियार रे याने हुकमे और फौज को बहना दियो को 1200 राजकुमार हो क्या भैया को 1200 राजकुमार पुत्र पुचकार हो पुत्र पुचकार रे याने बांध पीठ पे लियो प्रहार
और अब दामोदरी रसिया जवाब दे रहा कराए क्या भेज दे फिर से ओ भारत में क्या ओ भारत में मिर्चुआ का नगला हमारे लिए दे रहे हैं। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी भैया कहा क्या अरे भारत मेरी बहना भारत मेरी जी जी भारत मेरी बहना ओ भारत मेरी ऐसी पीरा ऐसी पीरा ऐसी पीरांगना तू भगवान अरे भेज दे फिर से भारत में हाँ भेज दे फिर से भारत में और भेज दे फिर से भारत में आहा सजनों बाबा साहब ध्यान को उसी जगह केंद्रित कर ले जहां पर कि मैं अपने प्रसंग को कल छोड़ कर के गई थी होता क्या है सजनों आज जैसे ही अंजना ने देखा सास ने भरोसा तोड़ दिया माँ ने भी भरोसा तोड़ दिया लेकिन आज अहिल्या ने एक बात बताई एक रास्ता बता दिया रास्ते पर जाने के लिए बाबा साहब अंजना तैयार हो गई चल देती है दासी बासंती साथ में जा रही है लेकिन भैया जी आज जैसे ही रानी दासी ने देखा दोनों ने मिलकर के देखा ऋषि अगस्त का आश्रम सामने है आश्रम में पहुंच गई प्रणाम किया अपना परिचय देने के लिए तत्पर हुई उससे पहले आज ऋषि अगस्त ने एक बात कही बेटी सुन मुझे नहीं पता तुम कौन हो लेकिन आज जब तुम दोनों यहाँ पर आई हो ये ऋषि मुनियों का आश्रम है और इस आश्रम को क्या समझना भैया जी कैसे और रहना बेटी और निडर हो या आश्रम के दर और ये क्या मन रुपए का पुरस्कार अच्छा जी आदरणीय बड़े भाई घनश्याम जी अवार्ड निवासी हमारे लिए दे रहे हैं बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी भैया जी आज जैसे ही अंजना ने देखा ऋषि अगस्त ने मुझे आश्रम में जगह दे दी मैं ऋषि अगस्त के इस आश्रम में रह सकती हूँ मुझसे कोई सवाल नहीं किया आज अपना परिचय देने के लिए आतुर हो गई सजनों जब परिचय देने के लिए आतुर हुई ऋषि अगस्त ने आगे से पूछा बेटी आपका परिचय क्या है भैया मोनू आज अर्थ में जवाब दे रहे हैं ऋषि अगस्त ने कही सुता से ऋषि अगस्त ने कही सुता से और को पिता कौन महतारी है अरे आंसू पोछ बता दे बेटी ब्याई है के बारी है
आज बाबा साहब जब इतने शब्दों को पूछा, अंजना ने एक बात कही, क्या कारण, क्या कारण या विकट बनी में, क्या कारण या विकट बनी में तू डोले मारी मारी है और हुक्मी खेड़ा शरण अंजना ने व्यथा सुना दई सारी है बीच भमर में नाव मेरी। हे बाबा बीच भमर में नाव मेरी अब यह कौन पार लगावे और नैनन से नीर भावे। सजनों सारी बातों को अंजना ने कह दिया। अंजना ने जवाब दिया, मैं कौन हूँ, मैं एक महाराज पवन उनकी बाबा साहब पत्नी हूँ, की धर्म पत्नी मेरा नाम है अंजना, मेरे साथ जो दासी है इसका नाम है बासंती। सारी बातों को सुन लिया और भैया आज ऋषि अगस्त जवाब दे रहे हैं और ऋषि अगस्त ने कहा क्या सुनिएगा कैसे। और ये स्वागत और सम्मान लीजिए स्वागत और सम्मान लीजिए और मान पिता और माता और ले आश्रम के वासी हो आश्रम के वासी और शिष्य भतीजे और छोड़ो सब स्वार्थ निकारो सोच सभी तुम मन के छोड़ो सारे स्वार्थ निकारो सोच सभी तुम मन के और या जीव के या जीव के हो या जीव के संग में तारो बंधे हैं कर मन के। क्यों जवाब दिया, परम पिता से प्यार नहीं तो क्या, परम पिता से प्यार नहीं तो शुद्ध रहे व्यवहार नहीं और इसीलिए तो आज देख लो कोई सुखी परिवार नहीं। और ये 100 रुपए का पुरस्कार श्याम सिंह जी कोठेन निवासी हमारे लिए दे रहे हैं। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी भैया जी। लेकिन कहा क्या, मंच पे पहुंच जाओ सब लिया। और ये 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे चाचा जी बच्चू जी बहरामदा निवासी हमारे लिए जरा बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी भैया जी। कहा क्या जवाब दिया, ये सारा विश्व रचाने वाला और ना कुछ हमसे लेता है फल फूल अरे फल फूल और मेवा सारी सब कुछ हमको देता है और कभी करे टकरार नहीं ये कभी करे इनकार नहीं इसीलिए तो आज देख लो कोई सुखी परिवार नहीं इसीलिए तो छोटा सा गाना और बाबा साहब गाना भी क्या
क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि समय समय पर कीजिए, समय समय पर कीजिए बैर विवाह और प्रीत। अरे समय समय पर गाइए समय समय के गीत, समय के अनुसार एक गीत एक गाना आपके सामने पेश कर रही हूँ। हमारे बाबा साहब सामान्य लोगों की सोच और हर बुजुर्ग की सोच, हर नौजवान की सोच और सोच बाबा साहब कहाँ तक सीमित है। हर इंसान कर्म करता है, हर इंसान ये जानता है कि वो भूखा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी बार बार केवल एक ही सोच सामने आ जाती है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। लेकिन भैया कभी ने अपनी कलम उठाई और इस पंक्ति को, इस लोकोक्ति को, इस मुहावरे को बिल्कुल उल्टा कर दिया। लोकोक्ति जवाब दे रही है, कहावत कह रही है, कहावत ने कहा कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। लेकिन कभी अपने दिमाग से उपज बना करके बाबा साहब जवाब दे रहा है और फिल्मी दुनिया वालों ने बाबा साहब बड़ी एक प्यारी सी तर्ज निकाली और तर्ज के बोल भैया मोनु कैसे। और हुस्न हाजिर है जपाने को, क्या हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। ओ कहा क्या कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। लेकिन अब गीत कह रहा है, गीत क्या, गीत ने जवाब दिया, कहा कहावत कर देती एहसास इस जमाने को, कहावत कर देती एहसास इस जमाने को। और कहावत क्या दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन उल्टा कैसे हो रहा है। कहावत कर देती एहसास इस जमाने को और समय कर देता है मोहताज दाने दाने को, समय कर देता है मोहताज दाने दाने को। लेकिन भैया अब बात सबसे पहले ऐसा कब हुआ, एक राजा थे छत्रपति सम्राट थे, लेकिन बाबा साहब समय समय बड़ा बलवान होता है, समय ऐसा बना कि दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। सुनिए ऐसा कौन सा राजा हो भैया। सखा बचपन के सुदामा बनंदलाल हुए, मित्रताई की इस जहां में मिसाल हुए, मित्रताई की इस जहां में मिसाल हुए। भरी इस भावना से भाव कैसे बदलते, चतुर चित चोर से ही सुदामा चाल चलते, चतुर चित चोर से ही। और समय का बदला सुदामा जी को आप सब जानते हैं, लेकिन जब उदाहरण देते हैं ना तो सुदामा जी को बाबा साहब एक गरीब बना दिया जाता है, लेकिन वो गरीब थे नहीं। सुदामा जी एक राजा थे छत्रपति सम्राट थे, वो गरीब कब बने भैया। कहा गुरु माता ने दिए हो, क्या गुरु माता ने दिए जो चने खाने को, सुदामा हो मोहता दाने दाने। क्या हो सुदामा, सुदामा हो गए मोहताज दाने दाने को, सुदामा हो गए मोहताज।
राजा कौन हुआ जो बाबा साहब समय के आगे झुक गए। सुनिएगा कहा क्या जवाब दिया, कहा कब क्या हो किसी ने ना देखा कल को। कहा कब क्या, कहा कब क्या हो किसी ने ना देखा कल को। बुरे दिन कैसे दिखा दिए राजा नल को, और क्यों बुरे दिन कैसे दिखा दिए राजा नल को। कहा हाथ सब कुछ था जिनके रहे वो हाथ मलते, हाथ सब कुछ था जिनके रहे वो हाथ मलते। भुजी मछली भी जल में चली जाती उछल के, भुजी मछली भी जल में। और हुआ क्या भैया, जाती है जल में हो क्या, जल के भी जाती जल में। देखो जी जलाने को क्या, जल के भी जाती जल में। देखो जी जलाने को, और राजा नल हो गए मोहताज दाने दाने को। क्यों राजा नल हो, राजा नल आप सब लोग जानते हैं, राजा नल बाबा साहब छत्रपति सम्राट थे। जुआ में सब कुछ हार गए, बन की तरफ निकल गए। बन में जाकर के देखा हाथ कुछ नहीं है, भूख लगी थी, सामने देखा एक मरी हुई मछली थी, उसको भी भूज लिया। लेकिन समय बलवान होता है बाबा साहब, समय से बड़ा कुछ नहीं होता, क्योंकि कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी कभी नहीं मिलता। इसीलिए वो भुजी हुई मछली भी राजा नल के हाथों से उछल करके उस जल में जा जाती है। लेकिन भैया जवाब दिया, कहा जल के भी जाती जल में। देखो जी जलाने को, और राजा नल हो गए मोहताज दाने दाने को। राजा नल हो गए मोहताज। लेकिन सुनिएगा बात आ रही है बाबा साहब अंतिम, और ऐसा तीसरा राजा कौन हुआ ये क्या मन रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे चाचा जी दे रहे हैं। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। भैया जी अंतिम ऐसा समय किन पर आया, कहां क्या समय जब उन पर अज्ञात वास का आया। क्या समय जब उन पर अज्ञात वास का आया। पांडवों को क्या हो, पांडवों को पत्नी सहित उदास पाया। कभी शंका सताए ना कोई जान जाए, अगर कोई जान जाए तो फिर ये जान जाए, अगर कोई जान जाए। लेकिन भैया जी जब इतना कहा ना कोई जान जाए तो फिर ये जान जाए, अगर कोई जान जाए तो फिर ये जान जाए। लेकिन कहा क्या, कहते हैं बीरू पुजारी हो, क्या कहते हैं बीरू पुजारी फिरते समय बिताने को। क्या कहते हैं बीरू पुजारी फिरते समय बिताने को। और जब पांडव हो गए मोहताज दाने दाने को। लेकिन कहा कहावत कर देती एहसास इस जमाने को,
कहावत कर देती एहसास इस जमाने को, और समय कर देता है मोहताज दाने दाने को। राम राम साहब।